आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, बी ग्लैड ऑलवेज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द गॉड फॉर यू। 75% पैकिंग, 25% हमारा रिटेल होता है बस। 200 लोग और कम से कम जैसे संडे होता है तो 500 लोग। फोन पे ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, स्विगी जोमेटो पे नहीं है। हम 99 साल में भी फिट हो आप। वैसे ठीक, कोई मतलब नहीं है मुझे, कुछ पैसे का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, इनके लिए बैठ के यहाँ कर लेता हूँ। 58-59 साल हो गए, ये जंगल था जब मैं यहाँ। हमारी कमर्शियल किचन है, देखो आप सफाई देखो, जूते चप्पल बिल्कुल नहीं, किसी का भी कस्टमर का भी प्रवेश नहीं, अपना तो प्रवेश नहीं, दूसरे का भी प्रवेश नहीं। अदरक भी नहीं है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर चारों चीज़ नहीं डालते। सामने मेरे को खस्ता और भला दोनों पसंद है, और उसका टेस्ट अलग ही है। इसका टेस्ट जो है सबसे अलग, डिफरेंट और बहुत पुराना है। देखिए हर शहर का कुछ अलग टेस्ट होता है, आइटम तो सेम होता है लेकिन टेस्ट अलग होता है। इंटर किया था, 12वीं पास करी थी। अच्छा जी। हाँ, अंग्रेजों ने मुझे बहुत कुछ सहायता दी, नौकरी भी दी उन्होंने, 5 जगह नौकरी दी मुझे उन्होंने। मैं टाइम टाइम की बलिहारी, टाइम बुढ़ा भगवान। ये बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ की खस्ता बहुत मशहूर है, और दूर दूर से खाने के लिए आते हैं लोग। मेरे को खस्ता और भला दोनों पसंद है, और उसका टेस्ट अलग ही है। इसका टेस्ट जो है सबसे अलग, डिफरेंट और बहुत पुराना है। मैं कम से कम 20-22 साल साथ हूँ, टेस्ट वही है आज भी। भैया सब कुछ वीडियो बन रही। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार, मेरे पापा के नाम से दुकान श्री रतन लाल। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? खस्ता भल्ले पकवान आपके सामने, गर्मा गर्म भल्ले मिलता सब जगह, अपने में टेस्टी बात होती है, बिल्कुल फ्रेश बसता ही नहीं हमारा सामान जो करेंगे। ये मैं 2 मिक्सर बना रहा हूँ, हमारे भाई साहब प्याज नहीं खाते हैं तो ये प्याज नहीं डालने। ये आ जाओ, यूट्यूबर है इंडियन फूड एक्सप्लोरर। मैदे का है इसके अंदर फिलिंग जो होती है ना उसकी, मूंग की दाल की स्टफिंग होती है इसके अंदर, मूंग की दाल की। और फिर मूंग की दाल का एक हमारा एक अपना प्रोडक्ट है, जैसे ये भल्ला, ये हमारे फादर ने शुरू किया था ये काम। ठीक है ना, छोलों में हमारी 4 चीज़ नहीं होती, प्याज लहसुन अदरक टमाटर नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह कि मसालों में हमारे पास 22 आइटम है, गर्म मसाले में ये है। अदरक भी नहीं है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर चारों चीज़ नहीं डालते। हमारी कमर्शियल किचन है, देखो आप सफाई देखो, जूते चप्पल बिल्कुल नहीं, किसी का भी कस्टमर का भी प्रवेश नहीं, अपना तो प्रवेश नहीं, दूसरे का भी प्रवेश नहीं। हमारे पास लेबर नहीं है, कोई लेबर नहीं है हमारे पास। कल संडे था तो मे बी 75% पैकिंग, 25% हमारा रिटेल होता है बस। 200 लोग और कम से कम जैसे संडे होता है तो 500 लोग। फोन पे ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, स्विगी जोमेटो पे नहीं है हम। प्रोसेस कितने बजे से स्टार्टिंग हो जाता है आपका? 4:30 बजे। जैसे छोले रख दिए, छोले रखने के बाद फिर उतने हमारे छोले उबलते हैं, उसके बाद हमारा ये शुरू हो जाता है। फिर हम इसको कढ़ाई को रख देते हैं, तो कढ़ाई के बाद हमारी खस्ता शुरू हो जाती है।
निजी मंडी 220। मैं 9:30 बजे की फ्री होऊंगा, है ना, और मोस्टली अराउंड 12 बजे हम सब फिनिश हो जाएगा हमारा। 12 बजे की छुट्टी होगी। साल हो गए ये जंगल था जब मैं याद ही नहीं। ये जी आइडिया कहाँ से आया आपको ये आइटम सब स्टार्ट करने का? मैंने पूरे हिंदुस्तान में पूरी की पूरी हर किस्म की वो ली, बहुत कायदा सिक्का। अंग्रेजों ने भी मुझे नोक कर रखा अपने यहाँ से दवाइयों के काम में, बहुत ज्ञान था उस टाइम। अब तो आउट ऑफ माइंड हो रहा, बस 99 साल में भी फिट हो आप। वैसे ठीक, कोई मतलब नहीं है मुझे, कुछ ही पैसे का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, इनके लिए बैठ के यहाँ कर लेता हूँ, और नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का बस, प्रभु का भगवान। बढ़िया, बस टाइम टाइम की बलिहारी, टाइम बड़ा बलवान, गोपियाँ लूटी भिल्लो ने वही अर्जुन वही बाण। इंटर किया था, 12वीं पास करी थी। अच्छा जी। हाँ, अंग्रेजों ने मुझे बहुत कुछ सहायता दी, नौकरी भी दी उन्होंने, 5 जगह नौकरी दी मुझे उन्होंने। मैं टाइम टाइम की बलिहारी, टाइम बड़ा भगवान। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, बी ग्लैड ऑलवेज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द गॉड फॉर यू। धन्यवाद। अभी मेरी मिसेज आने वाली हैं, तो उसके बाद फिर हमारा जो पैकिंग का दौर होता है, फिर वो हम दोनों सामान लेते हैं। या संडे को है, संडे को हम 7 बजे से स्टार्ट कर देते हैं पैकिंग। तो भाई मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, जब से छोटे से शुरू करा 10वीं क्लास से, तब से मैं आ रहा हूँ भैया की दुकान। और रेगुलर दूसरे दिन मार्केट तो मैं आते ही आता हूँ। यहाँ तो लॉकडाउन में ही हम खाने आते थे। लॉकडाउन में जितना टाइम मिला, चलो भाई चटनी क्या करा मुझे देखिए, हर शहर का कुछ अलग टेस्ट होता है। आइटम तो सेम होता है लेकिन टेस्ट अलग होता है। वैसे ही देहरादून में यहाँ जो हमने कचौड़ी खाई वो अलग ही है, हर जगह से ही अलग है। इतने फ्लेवरफुल छोले हैं, कोई बता नहीं सकता कि बिना अदरक लहसुन प्याज का है। खस्ते की बात तो अलग ही है। आपने कभी मेरे पत्ते साफ़ होते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन ये हो रहा है।